शामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की जो है वो पूजा अर्चना करके उनकी आराधना करके उनका उन्हें खुश किया जाता है। और आज महाशिवरात्रि के मौके पर आपको दिखाएंगे कि मुंब्रा के शंकर मंदिर पर किस तरह से जो शिव भक्त है उनका भीड़ यहां पर लगा हुआ है। शिव के दर्शन करने के लिए यहां पर तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कतार में लगे हुए हैं। अपने अपने बारी का इंतजार किया जा रहा है और काफी भीड़ होने की वजह से ये मुंब्रा का शंकर मंदिर है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरह से जो है भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ में ही हमारे साथ मुंब्रा शंकर मंदिर के जो ट्रस्टी हैं गुप्ता जी, वो हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से हम बात करेंगे। गुप्ता जी, आज क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि पर्व है, सुबह से ही देखा जा रहा है दर्शन करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। जी, यहाँ पर आज सुबह में लगभग 3 बजे पहली पूजा हुई और तब से अब तक लगातार ये भक्तों का तांता लगा हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से, व्यवस्थित ढंग से, अनुशासित तरीके से ये व्यवस्था अभी तक चालू है। गुप्ता जी, काफी भीड़ है, देखा जा रहा है कि जो शंकर मंदिर का नाका है वहां से लेकर और यहाँ मंदिर तक काफी भीड़ लगी हुई है सुबह से लेकर अभी तक। ऐसे में क्या क्या बंदोबस्त यहाँ पर, इंतजाम क्या क्या किए गए, सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, हमारे लगभग 1000 कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। पूरे लाइन से ही सारे लोग आ रहे हैं और पुलिस की तरफ से भी हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। पुलिस के लोग भी यहाँ पर जो इंस्पेक्टर्स हैं और बाकी के जो उनके जो सब इंस्पेक्टर्स या नीचे कांस्टेबल हवलदार वगैरह जो हैं, वो सभी लोग यहाँ पर सुबह से यहाँ पर व्यवस्था बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर तमाम मान्यताएं हैं कि जो मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है और इसी उम्मीद से काफी जो है भक्त वो यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऐसा क्या क्या मान्यताएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। देखिए, यहाँ का जो मुंब्रेश्वर शंकर मंदिर है वो यहाँ पर 400 साल पुराना है और ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, जमीन में से निकला हुआ, ये कुछ अलग से बिठाया हुआ नहीं है। और मेरी यहाँ पर ऐसी ये खात्री है और मान्यता भी है कि यहाँ पर जो लोग मानते हैं, मनपूर्वक मानते हैं, वो सब कुछ मिलता है बशर्ते कि उसकी नियत ईमानदार। सच्चे मन से अगर कोई भी भक्त अपने भगवान शिव से कुछ भी मांगता है तो वो भगवान शिव जो है उसका मनोकामनाएं जो है पूरी करते हैं। और भी तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो लाइन में भक्त लगे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज महाशिवरात्रि के मौके पर जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे हैं? क्या विधान, भगवान का दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या मनोकामनाएं हैं आपकी? क्या है, अपना जो सुखी रखो, घर द्वार, बाल बच्चा और अपने परिवार के सुखी रहने के लिए इस तरह की जो है मनोकामनाएं लेकर जो है महिलाएं वो भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और भी दूसरी तरफ भी देखेंगे आपकी इसी तरह से दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पवन नांगोड़े। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, काफी जो है भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, क्या आपकी मनोकामनाएं हैं, आप दर्शन के लिए आए हुए हैं? बहुत सी मनोकामना है पर वो भगवान के सामने ही बोल सकते हैं, अब न्यूज पे तो नहीं बोल सकते, भगवान के सामने ही बोलेंगे। लोगों के दिलों में काफी जो है आस्थाएं भगवान शिव से जुड़ी हुई है, हम बात करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं और आपको बताना चाहूँ कि कल हमारे यहाँ पर भंडारा है, महाशिवरात्रि के अगले दिन विशाल भंडारा होता है जिसमें 10 से 12 हजार लोग यहाँ पर महाप्रसाद पाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से वो भंडारा भी होगा। मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से और इसके आपकी जो लाइन है प्रहार टाइम्स, उसके माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा कि तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और कल महाप्रसाद का लाभ। आपने सुना, आज जो है पूरे दुनिया में महाशिवरात्रि का पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान शिव को लोग जल अर्पित कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं जो है भगवान शिव से पूरी होने के लिए उनके
प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधनाएं भी की जा रही है। कैमरामैन नीलेश के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंडा।